नमस्कार, जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल में देव जी आपका स्वागत करता हूं। खगड़िया से पीके ठाकुर के साथ सुरेश नायक की खास रिपोर्ट। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खगड़िया 149 विधानसभा क्षेत्र से सुमित कुमार ने नामांकन कराया। जी हां, खगड़िया विधानसभा 149 क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सुमित कुमार ने अपना नामांकन कराया। विशेष तौर से आपको बता दें कि सुमित कुमार पूर्व से जदयू के कार्यकर्ता थे, पर सरकार के जुमलेबाजी के कारण कुछ वर्षों से लगातार खगड़िया क्षेत्र की जनता के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। सुमित कुमार नामांकन के बाद मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान बताया कि खगड़िया में विकास में सरकार की नीति करोड़ा का काम कर रही है। अगर खगड़िया की जनता मालिक उन्हें इस बार मौका देती है तो अवश्य ही वो कुछ खगड़िया का नया विकास कर पाएंगे और जनता के विश्वास पर खरा उतर पाएंगे। तो आइए, क्या कुछ कह गए सुमित कुमार मीडिया से बातचीत के दौरान, आइए सुनते हैं। शराबबंदी उचित है, लेकिन शराब धरले से बिक रहा, कहीं भी प्रशासन सक्रिय नहीं, शराब धरले से बिकवाया जा रहा है। इसको पूर्ण शराबबंदी नहीं है, कहाँ है शराबबंदी? तो ये तो नीतीश सरकार की एक जुमलेबाजी है। बिल्कुल, कहाँ है शराबबंदी? अड्डा नल जल योजना जो है ये भ्रष्टाचार का योजना, ठीक है, लेकिन योजना भ्रष्टाचार से लिप्त, जो 93 एजेंसी हैं जिसके माध्यम से काम करवा रहे हैं, बिल्कुल ही भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है। शिक्षक को बस शिक्षण कार्य तक ही सीमित रखना चाहिए और जो अदर कार्य है उसके लिए अन्य भी कर्मी हैं उनको प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए। कल कारखाने की स्थापना नहीं हुई है, खगड़िया में देखिए बियाडा हुआ, जो कि कारखाने के नाम पर बियाडा की जमीन दी गई है कॉरपोरेट सेक्टर को, लेकिन वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। वहाँ जो कॉरपोरेट जो लोग हैं वो अपने व्यवसाय में भिड़े हुए हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है जो हरप्रीत कौर जो आई थी केंद्रीय मंत्री, वो बिना उद्घाटन किए हुए चली गई क्योंकि कोई भी कोरम पूरा नहीं किया गया। आप बताइए कहाँ विकास? उसके बाद भी उन्होंने कोरम पूरा नहीं किया, जो अभी तक वो आके उद्घाटन नहीं कर पाई। कहाँ कल कारखाना लग रहा है? जो भी हो रहा है कॉरपोरेट सेक्टर के लिए हो रहा है, आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। ये सब ज्वलंत समस्याएँ हैं और जनता अगर मुझे मौका देती है तो इन सब समस्याओं पर जो है हम लोग जरूर मेहनत करेंगे। रोजगार का सृजन हो, जो पढ़ लिख के जो लड़के नौजवान जो लड़के शिक्षित हैं उनको रोजगार मिले, इन सब बातों पर हमारा फोकस।